हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉक के न्यू एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे रॉक के एपिसोड के बारे में। अब WWE की स्टोरी लाइन क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज के लिए आगे बढ़ेंगी। उम्मीद है यहां से कुछ नई स्टोरी लाइन भी शुरू होंगी। अब देखते हैं आज का एपिसोड कैसा गया, क्या क्या दिखा आज के इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे वो भी डिटेल्स में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रूसेफ वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच से होनी थी, बट मैच शुरू होता उससे पहले ही रैंडी ऑर्टन और बैरन कॉर्बिन ने रूसेफ पर अटैक कर दिया। रूसेफ ने ऑर्टन को एल्बो मारकर रिंग के बाहर करा। कॉर्बिन पर रूसेफ पलटवार करना चाह रहे थे तो कॉर्बिन रिंग के बाहर चले गए। इसके बाद फुल स्क्रीन पर बॉबी लैशली दिखाई दिए, जो कि रूसेफ के बेडरूम में दिखाई देते हैं, और वहीं लाना भी उनके साथ होती हैं। रूसेफ देखकर चौंकते हैं और रिंग के बाहर खड़े कॉर्बिन और ऑर्टन ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। रूसेफ वैसे ही ये सब देखकर काफी गुस्से में थे और उन्होंने अपना पूरा गुस्सा रैंडी ऑर्टन और बैरन कॉर्बिन पर उतार दिया। दोनों को रिंग के बाहर बुरी तरह मारा, बैरिकेड स्टील स्टेप्स रिंग पोस्ट पर दोनों को मारा और ऑर्टन पर स्टील स्टेप से भी हमला करा और एंड में मच का किक मारकर दोनों को ढेर कर दिया। दोनों को रूसेफ पर हंसना काफी भारी पड़ गया। इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस लेसी के बीच लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच दिखा। लेसी ने आके कहा कि वो रियल लेडी हैं और आज वो नटालिया को हरा देंगी। तभी नटालिया आती हैं और आके लेसी को बैरिकेड में दे मारती हैं और रिंग में ले जाके पंच मार के शार्प शूटर लगा देती हैं। लेसी अपने आप को छुड़ाती हैं और नटालिया पर पलटवार करती हैं, टांगों से पकड़कर नटालिया को बैरिकेड पर दे मारती हैं और फिर स्टील स्टेप्स पर मारती हैं। इसके बाद लेसी ने कैंडो स्टिक निकालकर नटालिया की सुताई कर डाली। नटालिया भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी स्टिक लेके लेसी पर पलटवार करा। लड़ते बढ़ते ये स्टेज पर पहुंची और लेसी ने नटालिया को टेबल पर पटका, बट वो 10 काउंट से पहले ही उठ गई। एंड में नटालिया ने स्टेज से लेसी को नीचे टेबल पर पटका और फिर लेसी उठ नहीं पाई और जीत यहाँ नटालिया की हुई। इसके बाद अलिस्टर ब्लैक का सेगमेंट दिखा। अलिस्टर ब्लैक कहते हैं कि इस सूट और टाई के नीचे जो रेसलर है वो लड़ाई चाहता है, अगर कोई है जो मुझसे लड़ाई चाहता है तो वो आकर मेरे दरवाजे पर नॉक करे। वहीं इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां टाइसन फ्यूरी बैक स्टेज इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई दिए कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डॉल्फ जिगलर को मुझ पर फेंक कर मुझे गुस्सा दिलाया था, इसी वजह से मैं स्टैंड से बाहर आया था, लेकिन आज अगर ब्रॉन ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो उसे मेरे इन हाथों का मुकाबला करना होगा। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड वर्सेस विकिंग राइडर्स के बीच मैच दिखा। एरिक और डॉल्फ ने मैच की शुरुआत करी। दोनों के बीच एक दूसरे पर हावी होने के लिए जोर आजमाइश दिखाई दी, जिसमें एरिक आइवर को टैग दे पाए और फिर दोनों डॉल्फ जिगलर पर हावी हुए। जैसे तैसे डॉल्फ जिगलर ने रॉबर्ट रूड को टैग दिया, उन्होंने आके आइवर पर हमला करा, बट आइवर ने रूड को भी नहीं छोड़ा। रिंग साइड भी एरिक ने डॉल्फ जिगलर और रूड को मारा। काफी देर हावी रहे, कुछ टाइम बाद रूड और डॉल्फ ने पलटवार करा। डॉल्फ ने अपना मूव भी लगाया, बट विकिंग्स ने एंड में अपना फिनिशिंग मूव देके ये मैच जीत लिया। इसके बाद अलिस्टर ब्लैक वर्सेस सिंह ब्रदर्स के बीच 1-on-2 हैंडीकैप मैच दिखा। बड़े ही फनी वे में सिंह ब्रदर्स एंट्री करते हुए दिखाई दिए। ब्लैक ने रिंग में आते ही जो घुमा घुमा के किक दोनों को मारी, दोनों ढेर हो गए। मौका देखकर सिंह ब्रदर्स ने ब्लैक को कुछ हाथ मारे, बट शायद उससे अलिस्टर ब्लैक को खुजली भी नहीं हुई होगी और अलिस्टर ब्लैक ने सबमिशन लगा के ये मैच जीत लिया। के बाद बैक स्टेज हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखाई दिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में टाइसन फ्यूरी के साथ मजाक कर रहा था, अगर वो इसको लेकर इतना सीरियस होना चाहते हैं तो मेरे पास भी पंच मारने की कैपेसिटी है। इसके बाद हमें सैटेलाइट टीवी के जरिए ऑथर ऑफ पेन का सेगमेंट दिखा। वो कहते हैं कि WWE में ऐसी कोई टैग टीम नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। एकम ने इस दौरान पंजाबी में भी बोलते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं हम अपने घर से हजारों मील दूर पड़े हुए हैं, हम सबके पैसे और करियर्स ले लेंगे और इसीलिए हम ऑथर ऑफ पेन हैं, यानी कि AOP हैं। इसके बाद हमें OC वर्सेस लूचास के बीच मैच दिखा। कार्ल और कलिस्टो ने मैच की शुरुआत करी। कलिस्टो ने घुमा के कार्ल को फेंका और उन्होंने टैग एज स्टाइल्स को दिया। स्टाइल्स को भी घुमा के उन्होंने फेंका। इस दौरान लूचास ने रिंग कॉर्नर से OC के तीनों मेंबर के ऊपर जो शानदार डाइव लगाई वो वाकई देखने लायक थी। अब OC ने लूचास पर लीड बनाई। एंड में सब एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई दिए और मौका देखकर AJ स्टाइल्स ने पेले केक और फिनोमिनल फॉर आर्म देके मैच जीत लिया और जीतने के बाद भी OC ने लूचास को बुरी तरह मारा। इसके बाद हमें द मिस का मिस टीवी दिखा। मिस टीवी पर आज मिस के गेस्ट बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर थे। बैकी लिंच आके कहती हैं कि मैं आज भी कह सकती हूं कि मैंने हेल इन अ सेल में साशा बैंक्स को हराया है। बैकी लिंच शार्लेट फ्लेयर से कहती हैं कि मैंने जिस टाइटल को इस समय अपने पास रखा हुआ है जो मैंने ही फेमस बनाया है। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैं 10-time चैंपियन बनी हूं और ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गईं, बट तभी आस्का और काइरी सेन की एंट्री होती है। आस्का अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलती हुई सुनाई दी। बैकी लिंच कहती हैं कि वो अपना मैच अभी लड़ सकती हैं। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर बैकी लिंच वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच मैच दिखा। आस्का और बैकी लिंच ने मैच की शुरुआत करी। आस्का बैकी लिंच को अपनी साइड कॉर्नर में ले जाके अटैक करती हैं और काइरी सेन को टैग करके दोनों बैकी लिंच को मारती हैं। इसके बाद बैकी लिंच ने जैसे तैसे शार्लेट फ्लेयर को टैग करा, उन्होंने आते ही फाइट बैक करा और दोनों पर उन्होंने तगड़ा पलटवार करा। एंड में बैकी लिंच ने पिन करने की कोशिश करी, बट आस्का ने मूव लगाया और काइरी ने पिन करके ये मैच जीत लिया।
मैच के बाद काबुकी वॉरियर्स ने बैकी लिंच पर बुरी तरह अटैक करा। शार्लेट फ्लेयर उन्हें बचाने आती हैं, बट उन दोनों ने मिलकर उन पर भी अटैक करा। तभी एलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस की एंट्री हुई और उन्होंने आके काबुकी वॉरियर्स पर जोरदार अटैक करा और ढेर करा। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच मैच दिखा। दोनों ने रिंग में आते ही जबरदस्त मूव एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिए। दोनों में बराबर की टक्कर दिखी। रिकोशे ने एंड में मूव देके ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें मेन इवेंट में टायसन फ्यूरी का सेगमेंट दिखा। टायसन कहते हैं कि मैं जब स्मैकडाउन का मजा ले रहा था, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डॉल्फ जिगलर को उनके ऊपर फेंका। मैं चाहता हूं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन मुझसे यहां आके माफी मांगे। तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है और ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर टायसन से कहते हैं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और वैसे तुम्हारा लास्ट बॉक्सिंग मैच काफी वीक था। ये सुनते ही टायसन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन से पूछा कि वो 10 टाइम हैवीवेट चैंपियन रहे हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन तुम कितनी बार हैवीवेट चैंपियन रहे हो। इसके बाद टायसन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को धक्का दिया और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टायसन पर अटैक कर दिया। रिंग साइड खड़ी सिक्योरिटी इन्हें अलग करने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर ये रुक पाते और फिर एक दूसरे से भिड़ जाते। दोनों ने जमकर सिक्योरिटी वालों को भी मारा और जब सिक्योरिटी फेल रही तो लॉकर रूम से काफी रेसलर ने आके इन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये इन्हें रोक पाए। जैसे तैसे स्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्टेज तक लेके गए। इसके बाद बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हुए नजर आए कि अब टायसन को मेरी तरफ से माफी नहीं मिलेगी, बल्कि एक बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। तभी टायसन रिंग में खड़े होकर अपना गुस्सा दिखा रहे थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन फिर छूटे और रिंग में आके टायसन पर टूट पड़े, बट इन्हें फिर से वहां खड़े सुपरस्टार ने रोका। यही आज रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। आज के एपिसोड में सेथ रॉलिंस द फिंड जैसे बड़े सुपरस्टार नहीं दिखे। रॉ का एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठाक रहा एपिसोड। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।